जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। उससे पहले आप सुनेंगे विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। तो आइए करते हैं कथा को प्रारंभ। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बहु बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे जरूर मिलेगा, तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपनी पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस पर व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।